हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। कुकिंग विद स्वर्णलता में आपका स्वागत है। क्या आपका मन गुलाब जामुन मालपुए खाने कर रहा है, तो मैं आपके लिए दही के पुए, जिसे हम गुलगुले भी कहते हैं, ये 5 मिनट में बनने वाली इतनी आसान मिठाई है जिसे आप कभी भी अपने मेहमान आने पर उन्हें बनाकर खिला सकते हैं। और ये घर के ही सामान में आसानी से बनाई जाने वाली मिठाई है। तो चलिए, दही के पुए बनाने के लिए 1 कटोरी गेहूं का आटा, 1/2 कटोरी दही, 1 कटोरी शक्कर, पानी, बादाम क्रश किया हुआ, इलायची पाउडर और सूजी और तेल हमें तलने के लिए। 1 बर्तन में आटा निकाल लेंगे हम, उसमें हम सूजी डालेंगे। सूजी हमको 2 चम्मच डालनी है इसमें, और हमें 4-5 चम्मच दही डालेंगे। दही डालना ज़रूरी है जिससे पुए अंदर से बहुत सॉफ्ट और मुलायम बनते हैं। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक गाढ़ा बैटर बना लेंगे, जैसे हम भजिए का बैटर बनाते हैं उस तरह से। देखिए, बैटर तैयार हो गया। इसे हम 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। 1 पैन में हम चाशनी बनाएंगे। हमने शक्कर डाल दी है, अब हम पानी डालेंगे और इसे मिलाएंगे। हमें मीडियम फ्लेम पर इसे पकाना है। शक्कर मेल्ट हो गई है, अब हम चाशनी चेक करेंगे। हमें चाशनी एक तार की नहीं बनाना है, बस थोड़ा सा चिपचिपापन हो इतना ही रखना है। चाशनी बनकर तैयार हो गई है, अब हम इलायची पाउडर डाल देंगे। इधर हम तेल गरम करने के लिए रख देते हैं, जब तक हम बैटर में थोड़ा सा चुटकी भर सोडा डालेंगे और इसे मिलाएंगे। और इसे हाथों की सहायता से हम इसके छोटे छोटे पुए बनाएंगे। देखिए, पुए बनकर तैयार हो रहे हैं, और इसे पलटेंगे। हमें इसे तेज आंच पर नहीं सेकना है, नहीं तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। देखिए, पुए बनकर तैयार हैं, अब हम इसे प्लेट में निकालेंगे। चाशनी हमें इस तरह की रखनी है। इसमें हम सारे पुए डाल देंगे और इन्हें मिला देंगे। इन्हें हम 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। आप देखिए, पुए तैयार हो गए। आप चाहें तो किसी भी ड्राई फ्रूट से इसे सजा सकते हैं, नारियल के कस्ट से सजा सकते हैं, और ये खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। देखिए, देखने में इतने टेम्पटिंग लग रहे हैं ना, तो बस देर किस बात की। अगर आपको खाने का मन कर रहा है तो जाइए किचन में और बनाइए। और मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।